हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल खुशी। अगर आप चाहते हो अपने बालों को रेड कलर करना या फिर बारगंडी कलर करना, तो यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा कलर आपके बालों में आएगा और बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। आपको पार्लर भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप घर पर अपने बालों को पार्लर जैसा कलर कर सकते हो, वो भी बिना तामझाम के। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो हमने लिया है यहाँ पे हिना मेहंदी। हिना मेहंदी आपके बालों को नेचुरली कलर देता है और आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर देता है और डार्क कलर देता है। तो जो चाहे वो हिना का अप्लाई कर सकते हैं, अगर जिनको अच्छा लगे तो वो निशा भी ले सकते हैं। आप कोई भी मेहंदी आप ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी को ले लेना है। उसके बाद से आपको इसमें जो भी चीज़ें डालनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी नेचुरल हैं और आपके बालों का ध्यान भी रखेगा। आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह झड़ने की प्रॉब्लम या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई होने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपके बालों से रिमूव होगा। आपके बालों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा। सो सेकेंड हमने लिया है यहाँ हिविक्स का पाउडर। हिविक्स का जो पाउडर होता है, ये आप चाहो तो गुड़हल के फूल को सुखा के घर पे भी पाउडर इसका बना सकते हो। ये इजीली बन जाता है, इसको स्टोर करके रख लीजिए। इससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा कलर आएगा और आपके बाल वाइट नहीं होंगे। फिर यहाँ पर हमने लिया है सिकाकाई का पाउडर। सिकाकाई का पाउडर आपके बालों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की बनाता है कि आपके बाल हाथों में बहुत जल्दी से स्लिप करते हैं, ऐसा आपके बालों का हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप जूस भी इसका यूज कर सकते हो एलोवेरा का। अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप उसको अच्छे से पल्प उसका निकाल लीजिए, निकाल के उसको अच्छे से पीस लीजिए, पीस के उसका मस्त बना लीजिए, उसका जो हमने जो रखा है जूस वैसा ही। फिर उसके बाद से आपको लेना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मेरा जो ढक्कन है ना, यहाँ पे हमने लिया है ढक्कन में, उसका ढक्कन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो हम अपने बालों के अकॉर्डिंग ही लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है अराउंड 3 चम्मच के। फिर उसके बाद से आप इसको अच्छे से डाल के इसमें मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद से आप एलोवेरा जो होता है आपके बालों को शाइनी, सिल्की, स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी करता है। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको रिमूव करता है, वाइट हेयर की प्रॉब्लम को भी ये रिमूव करता है और बालों में कलर भी बहुत ही अच्छा सा प्रोवाइड करता है, आपके बालों को वाइट नहीं होने देता। फिर उसके बाद से आपको लेना है चाय की पत्ती और फिर उसमें लेना है आपको कढ़ी पत्ता और वहाँ पर चुकंदर। ये तीनों चीज़ आप इसमें डाल के अच्छे से इसको उबाल लीजिए, उबाल के उसका पानी तैयार कर लीजिए। मैंने इस वीडियो को इसके लिए स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने इसको नहीं दिखाया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, आप पानी तैयार करके रखे रहिए और इसको इसमें डाल दीजिए। तो पानी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। जब हिना मेहंदी आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें गर्म पानी, मतलब कि गुनगुना पानी ही डालें ताकि उसका कलर जो है अच्छे से खिल के आए, बहुत ही प्यारा सा कलर आता है अगर आप गुनगुना पानी उसमें ऐड करोगे तो। तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे ही मिक्स कर लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, आपके बालों में शाइनिंग, स्मूथनिंग नहीं आती है, तो आप यहाँ पे एक अंडे का भी यूज कर सकते हो। उसमें का जो येलो वाला पार्ट होता है आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आता है, तो कितने लोगों को इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसके लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और जिनके बाल सही हैं तो उनके थोड़े से, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं डैंड्रफ फ्री या मतलब ड्राई फ्रीजी, तो आप इससे आपका एलोवेरा से ही हो जाएगा, इस हिना पैक से आपका अच्छे से बाल जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने हाथों पे अच्छे से लगा के दिखाते हैं, तुरंत से लगाएंगे और तुरंत से निकाल देंगे, ताकि आप देखोगे कि कलर जो है इसका कितना प्यारा आया है, कितना अच्छा आया है। ऐसे ही आपके बालों में भी कलर प्यारा सा आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको निकाल के दिखा देते हैं आपको कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है। तो मैंने तो अपने बालों में जब भी लगाया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनिंग, सॉफ्ट हुए थे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको हफ्ते में तो एक बार लगा लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो आप इसको
हफ्ते में एक बार लगाइए, अगर नहीं है तो आप इसको महीने में या फिर 2-3 महीने में एक बार लगाइए, केवल कलर के लिए अगर आपको चाहिए तो। फिर अपने बालों को लगाने से पहले आपके बालों में किसी तरह का ऑयलिंग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से अपने बालों को ऐसे ही पार्टीशन कर करके अपने बालों में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से आपके बालों का कलर जो है बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा और डार्क शेड भी आएगा। कभी कभी होता है कि जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बालों में जो थोड़ा थोड़ा छूट जाते हैं तो अच्छे से कलर नहीं आता, तो आप अगर ऐसे लगाओगे तो आपके बालों में कलर पूरा आएगा और कहीं भी छूटेगा नहीं। तो इसको लगाने के बाद से आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद से उसको सादे पानी से धो लेना है। दिन भर आपको कुछ नहीं लगाना, रात में आपको अच्छे से ऑयलिंग करना है खूब हैवी, फिर सेकेंड दिन आपको धो लेना है। ऑयलिंग इसलिए करना है ताकि आपके बालों का जो कलर है वो आपके बालों में लॉक हो जाए, बार बार धोने से निकले ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो